ठीक है प्रोफेसर ओंकार सिंह, मैं आपके पास आता हूं। सर, मौजूदा परिस्थिति बहुत भीषण है, खतरा सामने ज्यादा बड़ा है और आने वाले समय में अंदेशा इस बात का है कि बच्चे सबसे ज्यादा टारगेट पर होंगे। 12वीं की परीक्षा ऐसी होती है कि आप उसे ना कराई जाए, ये बहुत सारे शिक्षाविद कह रहे हैं कि यह संभव नहीं क्योंकि आगे करियर इस पर टिका है, रास्ता निकलेगा कैसे? आपके विचार क्या है? जो जहां तक 12वीं की परीक्षा का प्रश्न है, 12वीं की परीक्षा तो होनी चाहिए। परीक्षा ना होने का जो उसके दुष्परिणाम है वो बच्चों को आगे अपने जीवन में भुगतने पड़ सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार से परीक्षा करना होना उचित नहीं है। परीक्षा होनी चाहिए, बच्चों की कितना उनका लर्निंग लेवल है उसका असेसमेंट होना चाहिए। अब उसका तरीका पेरेंट पेपर एग्जामिनेशन हो सकता है या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है। यदि आप हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस को देखें तो लगभग आधी आबादी के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। और यदि हमारे स्कूल शिक्षक के जो भी नियंत्रक इकाइयां हैं यदि उनको ये आश्वस्त कर देते हैं कि उनके पास समुचित इंटरनेट की सुविधा है और वे बच्चों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिला सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक दो महीने की तैयारी करके और बच्चों को ऑनलाइन सैंपल एग्जाम के सैंपल पेपर दे करके ऑनलाइन परीक्षा भी कराई जा सकती है। लेकिन उस प्लेस में भी आपके जो परीक्षा केंद्र हैं वो निश्चित होंगे और बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर जाना होगा। तो ये सोच तो कदापि उचित नहीं है मेरे व्यक्तिगत मत से कि बच्चों की 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल ये दूसरा एकेडमिक सेशन है जब हम इस प्रकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। नहीं सर, एग्जाम होंगे, अगर सेंटर बनेंगे निश्चित सेंटर, तो प्रोफेसर साहब क्या भीड़ जो जुटेगी वो सही होगी कोरोना के खतरे के बीच में? नहीं, देखिए ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि कोविड के जो भी प्रिस्क्राइब प्रोटोकॉल है उनको उनका अटेंडेंस किया जाए, उनको अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये संस्थाओं के स्तर पे निश्चित रूप से इसको किया जा सकता है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आप पिछले साल देखें तो काफी पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन हमने डिले करके कराए हैं। एक तो ऐसा है कि परीक्षा होनी चाहिए और भले हम इसको 2 महीने बाद कराएं या 3 महीने बाद कराएं, परीक्षा जरूर होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को इसकी कीमत आगे जीवन में ना चुकानी पड़े। ठीक है ज्योति गुप्ता जी, एक स्कूल आप रन कर रही हैं, डीपी की कमी है आदर्श जी, माफी के साथ आपको रुकना पड़ेगा। आप प्रोफेसर ओंकार सिंह सर, एक आखिरी सवाल और बहुत मुझे लगता है एक या दो लाइन में जवाब दे दीजिएगा क्योंकि वक्त इतना ही है। दो विकल्पों की चर्चा हो रही है कि मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा करा ली जाए उसके आधार पर इवैल्यूएशन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फॉर्मूला अपनाया जाए, क्या आपको लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है और क्या ये उचित होगा करियर को ध्यान में रखते हुए? बहुत छोटा सा जवाब जी, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है कि यदि चुने हुए विषयों की परीक्षा हो सकती है तो सारे विषयों की परीक्षा हो सकती है और 2 महीने टाल करके जब ये परिस्थिति अनुकूल हो जाए तब ये परीक्षा करानी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमसे जुड़ने।